नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 और आप सभी कार्यक्रम हमारे देख सकते हैं हमारे अलग अलग चैनल्स पे। आप सभी के लिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि ये सत्र हम लेकर आए हैं साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और आज का हमारा टॉपिक है द आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मैं हूँ रेणु भट्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में। और अपनी सभी क्वेरीज के साथ बच्चों आप हमारे इस लाइव इंटरेक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इन सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और हम एक बार फिर से बताएंगे अपना टॉपिक जो आज हम बात करने वाले हैं, द आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी कि आँखें जिनके माध्यम से आप ये पूरी दुनिया देख सकते हैं और देख रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारे शरीर में, और इसके बारे में आपको जानकारी देंगी हमारी एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मीट हर। यू आर मिस स्मृति यादव, यू आर TGT साइंस फ्रॉम आमे पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ राजस्थान। वेरी वार्म वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैम, जैसे हमने अपने सभी देखने वालों को बताया कि हम इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आंखों की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारे शरीर का, तो इसके बारे में क्या कुछ और स्पेशल आपके पास है हमारे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए मैम, प्लीज़ एक्सप्लेन टू अस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इट इज क्लास 10 साइंस टॉपिक। सी, सबसे पहले इसमें आपकी दो चीजें हैं। सबसे पहले हम आई के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके कुछ रिलेटेड फिनोमेनाज हैं, वी विल डील इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन। सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आई, नाउ आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आपके 5 सेंसेस में से एक ऑर्गन है। इट हेल्प्स यू टू सी थिंग्स अराउंड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट आई स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट चीज क्या है, ह्यूमन आई। नाउ आई वुड लाइक यू टू सी द इमेज ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड के इमेज पे देखेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे स्क्लेरा। नाउ व्हाट इज स्क्लेरा? स्क्लेरा इज द व्हाइट पार्ट ऑफ योर आई। देन यू कैन सी प्यूपल। नाउ व्हाट इज प्यूपल? प्यूपल इज द ब्लैक पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन इन द आई, एंड यू ऑल मस्ट हैव सीन, इसका एक स्पेशल फीचर है व्हिच वी विल डिस्कस अ लिटिल लेटर। After that, you can see iris. Now, what is iris? This is the colorful part of the eye, which is present in the eye. Now, ये कैसे colorful होता है, कुछ लोगों का different क्यों होता है, कुछ लोगों का different क्यों नहीं होता, वो अभी हम discuss करेंगे. Now, I would like you to see the other image, that is the eye anatomy. Now, let's discuss one by one इसके parts. First is iris. Now, as I told you, what is iris? Iris is the colorful part of your eye. ये आपकी eye का एक cross section है. Now what is iris? Iris is the colorful part of the eye. Now you must be wondering ki har ek ki eye thodi si different hoti hai, kisi ki brown, kisi ki black, some people have grey eyes, some people have blue eyes. Now why is this happening? Now jo aapka iris hai usme colored pigments present hote hain. Jab bhi light aapke iris par रिफ्लेक्ट होती है तो सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, सम पार्ट इज अब्सॉर्ब। नाउ द पार्ट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक वो किस पे डिपेंड करता है कि किस कलर का रिफ्लेक्ट बैक होगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ पिगमेंट इज प्रेजेंट इन योर आई। अगर ब्राउन पिगमेंट है तो योर आई विल बी ब्राउन इन कलर, एंड अगर द पिगमेंट इज ब्लैक इन कलर तो आपकी आई ब्लैक इन कलर होगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट यू कैन सी इज द बल्जिंग पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द आई, दैट इज कॉर्निया। And then you can see lens. Now human eye में convex lens present होता है। Now what is lens? जैसे आपने अप mobile phones में आप use करते हैं camera, उसमें हम बोलते हैं ना lens is present, हमारा camera का lens is 48 megapixel, 52 megapixel. Same way हमारे eyes इसके पास भी lens है जो कि किसमें help करता है, that it helps you to focus on the objects which you are looking at. After that, you can see that we have pupil. Now, what is this pupil? Pupil is a black color structure which is present in the middle of the iris. What is the special feature about pupil? Now, pupil can increase and decrease in size. Now, how does this happen? See, pupil kya hai? It allows the light to enter inside the eye. Now, humne iris ke bare mein abhi padha ki iris kya karta hai? Light ko reflect back kar deta hai. But pupil is the place from where the light enters your eye. अब इफ समटाइम्स इफ द लाइट विच इज प्रेजेंट हमारे सराउंडिंग में जो लाइट प्रेजेंट है अगर वो बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा लाइट अगर हमारे आंख के अंदर आएगी तो इट मे डैमेज आवर आई। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, साइज ऑफ द पीपल डिक्रीजेस सो दैट लेस अमाउंट ऑफ आई एंटर्स योर आई।
enter your eye. Now, if the outside surrounding is darker in color, तो आपको देखने के लिए ज्यादा light चाहिए होगी. So the size of the pupil increases, so that more amount of light can and come inside your eye. Now, ये increase और decrease ये आप एक छोटे से activity के through भी कर सकते हैं. आप day time में when it is sunlight is present, आप बाहर जाओ, wait for few seconds and then come back inside in a dark room. And फिर अगर आप mirror के सामने खड़े होके टॉर्च ऑन करेंगे, रेस्ट ऑफ द रूम शुड बी डार्क. तो जैसे ही आप रूम में आएंगे, यू विल नोटिस कि आपको कुछ सेकंड के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कंप्लीट पिच डार्क होता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द मोमेंट यू वेंट आउटसाइड द लाइट वॉज टू ब्राइट, सो योर प्यूपिल वॉज श्रिंकन. प्यूपिल ने क्या किया, अपना साइज स्मॉल कर लिया ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना आए और आपके आई को डैमेज ना हो. द मोमेंट यू केम इनसाइड, राइट, हमारे प्यूपिल को थोड़ा सा टाइम लगता है टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग. तो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं दिखेगा, देन आफ्टर दैट इट्स इज एडजस्टेड, प्यूपिल का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको चीजें वापस दिखने लगेंगी. सो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी. नाउ यू कैन सी दैट ये जो कॉर्निया एंड आपके लेंस के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट है, बल्ज आउट स्पेस. नाउ व्हाट इज दिस, इट इज लिक्विड इज प्रेजेंट, मोस्टली इसमें क्या होता है, वाटर होता है, एंड इट इज नोन एज एंटीरियर चैम्बर. After that, you can see that एक round bulge out structure है जो कि आपके eye के shape को hold करके रखता है, which is known as vitreous body. इसमें भी fluid present होता है, तभी आपकी eye एक spherical shape में present रहती है. After that, you can see that retina is present. Now, what is retina? Retina is the screen of the eye. Now, what is screen? आप सबने projector के through movies देखी होंगी. तो जब projector light project करता है, तो it needs a screen on which you can see the image. Now, this retina is the screen of the eye. जब light pupil के through enter करती है, it strikes on the retina and retina forms the image. Now, how does retina form the image? Retina में कुछ light sensitive cells present होते हैं. What are these light sensitive cells? Rods and cones. Now also you can see कि ये जो retina है, it is connected with some optic nerves. Now what are these optic nerves? ये optic nerves आपके brain से connected होती हैं. The moment light enters through pupil, retina पे strike करता है, and उसके बाद क्या होगा? ये जो आपके light आया, वो it will change into electrical signal, reach your brain, and तब हमारा brain will decipher कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है या फिर हम इस इमेज को देख रहे हैं. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द आई एनाटॉमी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लिटिल अबाउट आई के कुछ पार्ट्स. नाउ लेट्स सी कि ये जो आपने लेंस देखा, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. ये जो लेंस है, इसके साइड में आप देख रहे होगे सिलरी बॉडी प्रेजेंट है. नाउ व्हाट आर दीस सिलरी बॉडीज? दीज आर सिलरी मसल्स. व्हाट डू दीज सिलरी मसल्स डू? ये सिलरी मसल्स क्या करते हैं, आपका जो लेंस है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग? द पर्पस फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग इज टू इंक्रीज द पावर ऑफ अकोमोडेशन. Now, what is power of accommodation? See, जब कोई object बहुत distance पे रखा होता है, तो हमें एकदम से नहीं दिखता. We need to focus on the object. So now what happens? ये जो आपका lens है and जो ciliary muscle है, what does this ciliary muscles do? They relax the lens. तो क्या होगा? जो curvature of the lens है, वो increase हो जाएगा. Focal length increase हो जाएगी. Due to which you can focus on the distant object which is which you are viewing. तो आपको object clearly दिखने लगेगा. And if the object is too close to your eye, अब क्या होगा? अब हमें क्या करना है? Focal length को decrease करना है, lens के curvature को decrease करना है. So now what does this ciliary muscle do? They decrease or they contract the lens, so that जो lens है वो क्या हो जाए? It becomes contracted, वो small हो जाए. ठीक है, इससे क्या होगा? आप जो जो object आपके eye के पास है, आप उसे भी clearly देख सकते हैं. This is known as the power of accommodation. अगर मैं simply if I want to tell you in one line, so power of accommodation is defined as the ability of the lens to adjust the focal length in order to see the objects clearly if it is kept at a distance or if it is kept very near to your eye. Now power of accommodation say two very important topics come out. The first one is a near point of the eye. What is near point of the eye? Now near point of the eye is the minimum distance at which a particular object can be seen clearly. What does this mean? कि एक मिनिमम डिस्टेंस है
जिस पर अगर वो ऑब्जेक्ट रखा है तो आप उस ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली देख सकते हो विदाउट एडजस्टिंग योर पावर ऑफ अकोमोडेशन. अगर वो उस डिस्टेंस पे रखा है तो आपको बहुत ही इजीली दिखेगा. व्हाट इज दिस डिस्टेंस फॉर यंग एंड हेल्दी इंडिविजुअल्स? इट इज 25 सेंटीमीटर्स. अगर 25 सेंटीमीटर से कुछ थोड़ा पास है तो आपको थोड़ा सा उस आय को एडजस्ट करना पड़ेगा उसे देखने के लिए. अदरवाइज अगर 25 सेंटीमीटर एंड बियॉन्ड है तो आप उसको इजिली देख सकते हो. Now this is near point of the eye. Now far point of the eye must also be there. Now what is the far point of eye? The furthest point to which an object can be seen is known as the far point of the eye. And iska kya distance hoga? 25 centimeter to infinity. 25 centimeter ke pehle agar koi object hai, to wo hum itna clearly nahi dekh payenge. But if it is at 25 centimeter, then that is your near point. And if it is beyond 25 centimeter, then that is your far point of the eye. Now we have talked about eye ka structure, we have talked about the near point of the eye, and we have talked about the far point of the eye. Now just like all the other parts of the body, हमारे eye में भी कभी कभी कुछ defects हो जाते हैं. So now let's discuss about few defects and how to correct them. The first one being is myopia. Myopia is also known as nearsightedness. Now यहाँ पर क्या होता है, nearsightedness से आपको क्या समझ में आएगा कि जो आपका विजन है वो क्या हो गया है, वो कम हो गया. व्हाट डज दिस मीन? कि आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर या उससे भी बियॉन्ड रखा है, मतलब आपका जो फार पॉइंट है वो क्या होगा, वो पास आ गया. आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, क्यों नहीं दिखाई देगा? सी, व्हेन द लाइट एंटर्स थ्रू प्यूपिल द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. आई टोल्ड यू दिस few seconds back that the image is formed on the retina, but in case of myopia the image is not formed on the retina, it is formed in front of the retina. So wo change ho gaya. So that is why kya hua, aapka object ko clearly dekhne ka jo power tha, it is changed. Now how to correct this? If we use a concave lens with a suitable power, we can correct this defect. Now let me show you with an image. See, here you can see the second image. In the first image, the image is formed on the retina. But while you see the image B, you can see that the image is not formed on the retina, but it is formed in front of the retina. That is why जो distance object है, उसको देखने का जो power है, वो हमारे eye का कम हो जाता है. So how can we do this? We can use a concave lens. See, we have in the image C, we have put a concave lens and with a suitable power. Now putting a concave lens, what will happen? जो lens आप उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. एंड हाउ विल यू सी दैट? जो इमेज है वो अगेन इट विल स्टार्ट बी फॉर्मिंग ऑन द रेटिना, व्हिच इज द नॉर्मली हाउ जो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. नाउ द सेकंड डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया इज द ऑपोजिट ऑफ मायोपिया. व्हाट हैपेंस इन हाइपरमेट्रोपिया? यहाँ पर फार साइटेडनेस हो जाता है. जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देते. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? But this happens because the image was supposed to be formed on the retina, but it's not forming on the retina. It is forming beyond the retina. आपके retina के भी पीछे image form हो रहा है. तो क्या हुआ? जो nearby objects है, वो आप clearly नहीं देख पाएंगे, जबकि आप distance object तो clearly देख सकते हैं. But nearby object ऐसे patients नहीं देख पाएंगे. How can we correct this defect? By using a convex lens of appropriate power. Now here you can see. First image में clearly the image is being formed on the retina. So near, तो आपका far point, near point, everything is correct. Eye is working perfectly. But hypermetropic eye में क्या हुआ? The near point is reduced. आपका image is formed behind the retina. You can see in this image कि जो जो आपका image है retina पे form होने के बजाय कहाँ form हो रहा है? Behind the retina. So that is why near point is reduced. So what you can do is you can use a convex lens, and this convex lens will help you to form the image again on the retina. Now third defect which happens usually due to old age. आपने देखा होगा कि जो old people हैं, they usually wear their reading glasses. या अगर उन्हें कोई far object देखना है तो भी उनको specs पहनने पड़ते हैं. Near object देखना है तो भी उनको specs पहनने पड़ते हैं. ऐसा क्यों होता है? अभी हमने पहले पढ़ा अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन. नाउ हाउ इज दिस पावर ऑफ अकोमोडेशन वर्किंग? विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स. लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. बट विद द एज
विद ग्रोइंग एज व्हाट हैपेंस, ये जो सिलरी मसल्स हैं ये वीकन हो जाते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, सो द पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीजेस. सो दैट इज वाई आपको पास का भी एंड दूर का भी क्लियरली दिखना कम हो जाता है. सो व्हाट डू वी डू इन सच केस, वी यूज अ बायफोकल लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. मोस्टली ये हमारा ओल्ड एज में लोगों को होता है. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय prism. Now you all must be knowing what is prism. Prism is made up of glass and it looks like a pyramid. So now what happens, agar aap usko sunlight ke paas lekar jayenge, you will see ki from one side white light is entering and from the other side it is getting scattered or dispersed into colorful light. As you can see in the image also, that from one side white light is entering and from the other side wahi light kaise disperse ho gayi hai, कलरफुल लाइट्स में डिस्पर्स हो गई है. नो व्हाई डज दिस हैपन, सी क्या होता है जो व्हाइट लाइट, इफ द व्हाइट लाइट कम्स, व्हाई डज इट बेंड्स एंड व्हाई डज इट बेंड्स और शोज यू डिफरेंट कलर्स. नो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ऑफ द आई. एज यू कैन सी इन द इमेज दैट ऑल दीज कलर्स आर बेंडिंग एट अ सर्टन एंगल. सो द व्हाइट लाइट व्हेन इट पासिस थ्रू द प्रिज्म, इट बेंड्स एंड इट बेंड्स इन टू ऑल ऑफ दीज कलर. नाउ व्हाट आर दीज कलर्स, विब ग्योर, या फिर आपने रेनबो भी देखा होगा तो रेनबो में भी कौन से कलर्स होते हैं, विब ग्योर के कलर्स होते हैं. सो एज यू कैन सी हियर, यू कैन सी दैट द फर्स्ट कलर इज रेड एंड द लास्ट कलर इज वायलेट. व्हाई आर दे सो सिग्निफिकेंट, अगर आप केयरफुली देखेंगे तो जो रेड कलर है उसका जो बेंडिंग एंगल है वो सबसे कम है कंपेयर टू योर लास्ट कलर दैट इज वायलेट. Why is this phenomena important? आपने usually notice किया होगा कि जो भी danger signs है या फिर अगर आपको कोई भी object far से view करना है तो usually वो कैसे color का होता है, red color का होता है. Why it is red in color? Because जो red color है उसका angle of bending is least. तो क्या हुआ, उसका wavelength is maximum. वो सबसे कम disperse हो रहा है. तो अगर हम उसको distance से देखेंगे तो वो हमें quite clearly red color, red ही दिखेगा. बट इफ यू सी वायलेट कलर, इट इज बेंडिंग द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा डिस्पर्जन हो रहा है इसमें. सो दैट इज वाई वायलेट कलर कैन नॉट बी सीन इन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बिकॉज वो सबसे ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी व्हेन द लाइट पासिस थ्रू अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम. And what happens that the angle of incidence is greater than the critical angle, then the light will reflect in the denser medium. Now let me explain you. See, as you can see, ये जो मैंने image लगाया है, आप क्या देख सकते हो कि जो tree है, that is planted near the water body, and you can see the image of the tree in the water. Now why? How does this happens? अब देखें, यहाँ पर दो medium है, air is the medium and your water is the medium. Now when you are observing the tree, the light is moving from your denser medium to the rarer medium. आप ट्री को पानी में ऑब्जर्व करेंगे तो जो वाटर है वो डेंसर है कंपेयर टू योर एयर. तो अब लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम पे. नाउ हाउ विल यू सी द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कब देखेंगे, वेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल, देन ओनली यू कैन सी द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Now there are two conditions which are important for total internal reflection. What are these two conditions? First one is that the light should pass from denser to rarer medium. Agar light rarer se denser medium mein pass ho rahi hai to total internal reflection nahi hoga. But if it is passing from denser to rarer medium, then only total internal reflection can take place. Also another important thing is that angle of incidence should always be greater than your critical angle, then only total internal reflection can मैम. अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूज कर सकते हैं? यस मैम, मैम हमारे डेली लाइफ में हम इसे यूज करते हैं. जैसे आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा समर्स में, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो यू मस्ट बी सीइंग कि ऐसे जो आपका रोड है उसके ऊपर ऐसे वाटर ऐसे शाइन कर रहा होता है, इवन दो वाटर इज नॉट देयर, वहां पे वाटर ऐसे शाइनी वाटर आपको दिखता है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसका कॉन्सेप्ट हम हमारे बाइनोक्यूलर्स, पेरिस्कोप्स, इनमें भी यूज करते हैं, टेलीस्कोप्स, इन सब में भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. जी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन
as it passes through the atmosphere is called atmospheric refraction. Now, what is happening here? Somewhat similar to your total internal reflection. यहाँ पर भी medium change हो. अगर light जो है वो straight path में travel कर रही है, but उसके बीच में अगर कोई दूसरा medium आ जाए, so what will happen? It will bend या फिर it will deviate from its original path. Now, when this deviation is taking place, the phenomena which is known to happen is atmospheric refraction. Atmospheric refraction आप कहाँ कहाँ देखते हैं? First one is your twinkling of stars. Now let's see what happens in twinkling of stars. आपने देखा होगा whenever you are viewing in the night sky, the stars they appear to be twinkling. वो ऐसे stationary appear नहीं करते. They appear to be twinkling. Now, why does this happen? आपका star कहाँ present है? The star is present in the space where there is no vacuum. Now when the light is traveling from space to your earth, now what will happen? Medium change हो गया. है ना, एटमोस्फियरिक मीडियम आ गया बीच में. सो व्हाट विल हैपन, जो लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही थी ओरिजिनली, इट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. अब लाइट अगर ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है तो आपको क्या दिखेगा, वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के फॉर्म में अपियर होगा. एज यू कैन सी हियर दैट व्हेन द स्टार लाइट एंटर द एटमोस्फियर, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन. ड्यू टू दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका चेंज हो गया. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो क्या होगा, लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, अब नाउ व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम योर अर्थ एटमोसफियर, जब हम वैक्यूम से मतलब स्पेस से अर्थ के एटमोसफियर में मूव करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है. डाउनवर्ड्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टार्ट इंक्रीजिंग, यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो. तो क्या दिखेगा आपको कि जो स्टार है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वो थोड़ा सा चेंज होके आपको उसके अपेरेंट पोजीशन या सुपरफिशियल पोजीशन पर दिखेगा. नाउ सिंस दिस, अगर ये हम बहुत दूर से विटनेस कर रहे हैं ऑन द अर्थ, तो हमें कैसा अपियर होता है, एज इफ द स्टार इज ट्विंकलिंग. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट फिनोमिना विच वी कैन सी ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट. नाउ यू मस्ट हैव सीन कि जब सनराइज होता है, इवन बिफोर यू कैन सी द सन, आपको सन की रेज दिखाई देने लगती हैं, है ना. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि सन जो है वो अभी भी होराइजन के नीचे ही है, ठीक है, बट द सन रेज विच आर रीचिंग द अर्थ, उनके साथ क्या हुआ, सिंस दे आर कमिंग फ्रॉम स्पेस, वो क्या होती हैं, वो बेंड हो जाती हैं. और वो आपको बेंड होके, सिंस अपने ओरिजिनल पाथ से वो डेविएट होके, दे स्टार्ट बेंडिंग, एंड व्हेन दे बेंड तो आपको क्या होगा, वो अपना पाथ डेविएट कर जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस बिफोर वी सी द सन, व्हाट वी कैन सी इज द सन रेज कमिंग. सो दैट इज व्हाई यूजुअली सन जो है वो क्या होता है, आपको दो मिनट पहले ही सन रेज दिखने लगती है बिफोर एक्चुअली यू कैन सी द सन. एंड सेम हैपेंस ड्यूरिंग द सनसेट, वहां पे क्या होगा, डिले हो जाएगा. Even though the sunset has gone via आपका horizon से नीचे चला गया, फिर भी आपको sunrays क्यों दिखाई देती हैं? आपने notice किया होगा कि the sky turns orange or yellowish in color. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो sun rays है, अभी वो क्या कर रहे हैं? Same happening. वो space से bend होकर they have come to the earth. तो space जब वो bend होता है, तो वो अपने original path से deviate हो जाता है. हमने पढ़ा है that the sunlight always travels in the straight path. Sunlight कभी भी deviate होके travel नहीं करती है. अगर आप उसके सामने अगर कोई object ले आएंगे, opaque object, तो the sunlight will stop. ऐसा नहीं है कि अगर opaque object आया तो उसने turn लेके वो side से चले गया. वो straight line में travel करती है. So here same thing is happening. Atmosphere के आने की वजह से original path से it gets deviated. And when it is deviated, तो जब वो अर्थ पर आता है, before the sun, actually the sun has gone, but आपको फिर भी वो दिखता है, क्योंकि because of the phenomena of atmospheric reflection. Now I hope you have understood about the eye, you have understood the defects of the eye. है ना, हम कैसे उन डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं. वी हैव आल्सो सीन इन फ्यू फिनोमेनाज विच इज रिलेटेड, डेली फिनोमेनाज विच इज रिलेटेड टू एक्चुअली सीइंग. हम देखते हैं एंड वी हैव नेवर वी थॉट कि इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल दिस कि क्यों हम ये फिनोमेना और कैसे हो रहा है, ऑल ऑफ दिस फिनोमेनाज आर हैपनिंग. जी,
मैम आई एम क्वाइट श्योर कि हमारे जितने भी बच्चे और व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े उन सभी को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया बिकॉज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. अभी भी हमारे पास इस सेशन के लिए 5 मिनट हैं और कुछ बात जो आप बच्चों से शेयर करना चाहें बताना चाहें, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे है. जब आप आई की एनाटॉमी बता रहे थे तो आपने बताया कि जो आँखों का कलर है वो पिगमेंटेड कलर की वजह से, इसीलिए सबकी आँखों का कलर अलग अलग होता है, राइट? तो मैम हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ये क्या मतलब कैसे ये डिसाइड होता है मैम? मैम दैट विल सी दिस टॉपिक इज ये थोड़ा सा आपका फिजिक्स से रिलेटेड हो गया. अब कलर कैसे डिसाइड होता है दैट इज रिलेटेड टू अ लिटिल बिट ऑफ योर बायोलॉजी. ये आपका थोड़ा जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. इफ योर पेरेंट्स हैव मोस्टली क्या है कि अगर पेरेंट्स के ब्लैक और ब्लैक आईज हैं तो द ऑफस्प्रिंग विल ऑल्सो हैव ब्लैक आईज. बट समटाइम्स क्या हुआ कि बोथ द पेरेंट्स हैव ब्लैक आईज बट द ऑफस्प्रिंग इज हैविंग ब्राउन आईज. तो ये थोड़ा ये कैसे आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है. हो सकता है कि उनके एंसेस्टर में किसी का ब्राउन आईज हो तो वो जेनेटिकली वो पिगमेंट आता है. इट डिपेंड, ये आपका इनहेरेंट है, इट डजंट डिपेंड ऑन द एनी एक्सटर्नल फैक्टर, वो इनहेरेंट होता है. ओके ठीक, तो मैम ये तो जेनेटिक्स पे डिपेंड हो गया. कुछ और ऐसी बात जो आप हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें और कुछ जो आप बताना चाहें? यस मैम जी, आई वुड लाइक टू क्विकली रिवाइज एवरीथिंग जो भी हमने आई के बारे में पढ़ा. देखिए सबसे पहले आप लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आई बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब अगर आप आई के एनाटॉमी देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट हमने क्या देखा था, लेंस. लेंस क्या है, दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर योर लाइट एंटर, और कहीं से आपके आई में लाइट नहीं एंटर करती, द लाइट एंटर्स थ्रू योर लेंस. ठीक है, लेंस के थ्रू ही लाइट एंटर करेगी. एंड वेयर डज द लाइट reaches, it reaches on the retina. And what is retina? Retina is the screen in on which the light is striked. Now this screen is connected with optic nerves. See, हम अगर एक इमेज को अपनी आई के थ्रू देख रहे हैं तो आई कैन नॉट डिसिफर कि हमने क्या इमेज देखा है. दिस डिसिफरिंग इज डन बाय आवर ब्रेन ओनली. सो ये इतना क्विक होता है कि द मोमेंट यू सी, द मोमेंट द लाइट एंटर्स थ्रू योर प्यूपिल, इट रीचेज द रेटिना एंड देन द ऑप्टिक नर्व्स कैरी इट टू योर ब्रेन. ये कुछ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स का भी काम मैं बोलूंगी उससे भी कम है. सो सुपर फास्ट कि जैसे ही आपकी लाइट आती है आपका ब्रेन क्विकली डिसिफर कर लेता है, अच्छा हम ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अच्छा वी आर व्यूइंग अ फ्लावर और अ ट्री. दिस इज सो फास्ट. नाउ एंड जो लेंस है, लेंस आपका किसमें हेल्प करता है, हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है. यू कैन सी दैट इट इज बल्जिंग फ्रॉम बोथ द साइड, सो वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस इन आवर आई. नाउ दिस लेंस हेल्प्स अस इन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा कि हमें हमारे आई के थ्रू ब्लर इमेजेस नहीं दिखती. हाँ, इफ द इमेज, इफ आई में कोई डिफेक्ट है या फिर अगर ऑब्जेक्ट कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस पर है तो वो आपको ब्लर दिखेगी. अदरवाइज हमारे आई का जो लेंस है इट इज सो पावरफुल, इसके मेगा पिक्सल्स इफ यू वॉन्ट टू से, जो आपके कैमराज में प्रेजेंट होते हैं, हमारे आई के मेगा पिक्सल्स आर सो पावरफुल कि हम यूजली इमेज को इतना क्लियर देख लेते हैं कि मतलब वो हमें इतने अच्छे से फोकस करके देता है हमारा लेंस. Now, how does this focusing of images happens? Because of the ciliary body, or we can say the ciliary muscles, which are present in the eye. So, आप देखेंगे कि जब आप young होते हैं तो आपकी eyes की power maximum होती है, आप सारी चीजों को बहुत easily अच्छे से देख सकते हैं if there is no defect. But the moment you are growing older, age के साथ आप देखेंगे 40 plus people, they start wearing reading glasses, या फिर अगर उन्हें दूर की images देखनी है तो they start wearing glasses. Why? This is happening because जो ciliary muscles है वो क्या होते हैं, they become weak. So आपका जो focus करने का power है आपके lens को वो थोड़ा सा weak हो जाता है. Power of accommodation gets weak. अब हमारा जो lens है वो contract और relax इतना easily नहीं हो पा रहा है क्योंकि ciliary muscles जो है वो क्या है, उसकी flexibility और वो उसकी strength थोड़ी weak हो गई है. That is why जो old age people होते हैं उनको कम compare it, अगर आप compare करेंगे to the young ones, adult people, right, तो उनके comparison में उनको थोड़ा सा कम अच्छे से दिखाई देता है. राइट, तो मैम ये तो आपने बहुत ही अच्छे से हमारे सभी स्टूडेंट्स को बताया ह्यूमन आई के बारे में, और समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन स्मृति मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमसे जुड़े और आपने इतने अच्छे से ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.
थैंक यू मैम, और अपने सभी देखने वालों को कहेंगे कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम, लेकिन ब्रेक से पहले हम एक बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ साझा करना चाहेंगे। NCERT टेक्स्ट बुक से जुड़ी हुई शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकें देश भर में उपलब्ध है। आप ये पाठ्य पुस्तकें NCERT के विक्रय केंद्रों से जाकर ले सकते हैं, जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है। ये विक्रय केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे पूरे सप्ताह, सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, जो है ncertbooks.ncert.gov.in। ये सभी पुस्तकें आपको आपके घर पर निशुल्क डिलीवर की जाएंगी। इनके अलावा यदि आप इसका PDF वर्जन में डाउनलोड चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट जरूर करें, ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। और आपको बता दूं कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे, जो कि हिंदी के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। हमारा टॉपिक रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ कविताओं का पाठ होगा। आप हमारे साथ यहीं बने रहें। फिलहाल रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।